विश्व में एक समुदाय है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का, जो भगवान शिव की आराधना करता है और उन्हीं का अनुसरण करते हुए उनके बताए मार्गों पर चलता है। पूरे विश्व भर में इनके द्वारा प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का संचालन किया जाता है, जहां उनके द्वारा आत्मा को परमात्मा से मिलने का स्रोत बताया जाता है। साथ ही कई छोटे बड़े सेवा केंद्र भी चलाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए मेडिटेशन करवाया जाता है। ऐसा ही एक सेवा केंद्र जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भिलाई में है, वहां की संचालिका वर्षा दीदी से हमने यह जाना कि ब्रह्मा कुमारी की उत्पत्ति कैसे हुई और कब हुई और उनका उद्देश्य क्या है। आप भी देखिए क्या कहती हैं ब्रह्मा कुमारी वर्षा दीदी। नमस्कार दोस्तों, आज शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का विशेष दिन है और आज हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के हाउसिंग बोर्ड स्थित सेवा केंद्र में पहुंचे हैं। हमारे साथ है यहाँ की संचालिका वर्षा दीदी। आज हम भगवान शिव पर कुछ चर्चा करना चाहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का जो कुनबा है, ये शिव को ही मानता है और शिव के बताए हुए मार्गों पर चलता है और आराधना भी शिव की करते हैं। आज मौका है और विशेष दिन भी है, तो थोड़ी सी चर्चा हम इनसे करेंगे, कुछ जानना चाहेंगे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के बारे में और भगवान शिव के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले दीदी आपका स्वागत है। दीदी, ऐसा कहा जाता है कि प्रजापिता मतलब भगवान शिव सभी के शिव हैं, पिता हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो कुनबा है जिसको प्रजापिता ब्रह्म कुमारी कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, इसकी शुरुआत पाकिस्तान सिंध हैदराबाद से हुई और दादा लेखराज हीरे के व्यापारी थे, उनके माध्यम से इस संस्था का निर्माण किया गया और परमपिता परमात्मा के ही साकार माध्यम उन्हें एक साक्षात्कार हुआ और साक्षात्कार के बाद में उन्हें ऐसा दिव्य अनुभव हुआ कि अब ये मेरे हीरे का जो व्यापार है ये मेरे लिए नहीं है और मुझे कुछ जन कल्याण के लिए, समाज के लिए कुछ करना है। तो उसके बाद जैसे परमात्मा की प्रेरणा अनुसार ही उन्होंने अपने पूरे व्यापार को और परिवार सहित उन्होंने एक संस्था के जैसे निर्माण की एक प्रतिक्रिया जो है शुरू हुई और उसके बाद में कारवाह जुटा गया और पूरे पाकिस्तान सिंध प्रांत से काफ़ी इसमें अनुयायी जुटे गए और धीरे धीरे बहुत बड़ा विस्तार होता गया और फिर उसमें भी कई विघ्न आए, जिनको निषेध था तो वो यहाँ पर जुड़े रहे और तो परमात्मा अनुभूतियाँ जिनको रही कि हम परमात्मा ज्ञान के बिना, अमृत के बिना रह नहीं सकते, तो वो सबके सब जुड़ते गए और उसके बाद भारत में आना हुआ 1952 में। उसके बाद फिर हेडक्वार्टर जो हमारा माउंट आबू है वहाँ पर इसकी स्थापना हुई और आज देश विदेश में करीब इसके 145 सेवा केंद्र हैं जिसके माध्यम से ये जो सेवाएं हैं वो संचालित की जा रही है। दीदी, जैसा बता रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 145 सेवा केंद्र हैं। एक सवाल ये है कि 145 सेवा केंद्रों में मेरे हिसाब से भारत में सबसे ज्यादा है जी, कितने होंगे? भारत में काफी संख्या में 10,000 से भी अधिक और छोटे छोटे रूप में जो उसकी ब्रांचेस है जो घरों में चलते हैं तो वो उसकी संख्या भी काफी संख्या में है और काफी लाखों की तादाद में जो भाई बहन हैं वो रेगुलर, एक दिन भी नहीं इसकी छुट्टी नहीं होती है, रेगुलर ईश्वरीय सत्संग की जगह हम इसको कहें पढ़ाई पढ़ते हैं, ईश्वरीय पढ़ाई। दीदी, आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, ईश्वरी विश्वविद्यालय या यूं कहें कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के जो सेवा केंद्र है, मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या कार्य हम लोग करते हैं इसमें? ब्रह्म कुमारी का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि हम स्वयं को पहचाने और उस पिता परमात्मा की जो पहचान है वो स्वयं के अंदर में कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ और हमारे जीवन का एम ऑब्जेक्ट, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में है कि नारी ऐसी करनी करे कि लक्ष्मी बने और नर ऐसा करण करे कि नारायण बने, तो वो कर्मों पर खास अटेंशन दिलाया जाता है कि हम ऐसे वैल्यूज को धारण करें जिससे हमारे अंदर में
वो वैल्यूज जब आएंगे तो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी हम बन सके, ये इसका मेन उद्देश्य है। दोस्तों बहुत अच्छी बात है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। एक पॉजिटिविटी की तरफ कदम है, और काफ़ी मुश्किलात होती हैं, बोलने में आसान है कि नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, लेकिन इसको सार्थक करते हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित सेवा केंद्रों में इस चीज़ को क्रियान्वित किया जाता है। इसको क्रियान्वित करने के लिए एक सार्थक मार्गदर्शन यहाँ से प्राप्त होता है। एक चीज और जानना चाहेंगे वर्षा दीदी, हर शिवरात्रि को एक विशेष आयोजन, एक झांकी का आयोजन किया जाता है, इस बार भी झांकी का आयोजन है। झांकी का आयोजन जो हम करते हैं, प्रतिवर्ष करते हैं महाशिवरात्रि पर, क्या हम बताते हैं शिव जी के अलग अलग रूपों को, हम पूरे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, कभी उनके वो होते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इस प्रदर्शनी का क्या उद्देश्य है? शिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो यहाँ पर आयोजन किया गया जितने भी हमारे ब्रह्मा कुमारीज के, तो उसके पीछे का उद्देश्य यही रहता है कि वास्तव में सच्ची सच्ची शिवरात्रि हम मनाएं। शिवरात्रि में बहुत भावना से अक धतुरा बेल पत्र आदि लेकर के जाते हैं, लेकिन और साथ में थाली भी सजा करके माताएं लेकर के जाती है, दूध चढ़ाया जाता है, लेकिन वास्तव में कौन सा अक धतुरा हमको चढ़ाना चाहिए कि हमारे अंदर में जो कांटे हैं, बुराइयों रूपी जो है, उसको हम अक धतुरा परमात्मा शिव के ऊपर अर्पण करें। तो जब उनके ऊपर में ये सारी चीज़ें अर्पण हो जाएगी तो सच्ची सच्ची हम ये रात्रि मनाएंगे और हमारे जीवन में जो अज्ञानता का अंधकार है वो निकल जाएगा। तो ये इसके पीछे का भाव रहता है, ताकि हम सबको ये संदेश दे कि अपने अंदर से अज्ञान का अंधकार निकाले, और जागरण का भी शिवरात्रि में खास रिवाज होता है, तो आज हम स्वयं ही सोए पड़े हैं अज्ञानता के अंधकार में, तो उसी को हमको जगाना है। जब हम उसे जागेंगे तभी हम वास्तव में सच्ची सच्ची शिवरात्रि मना सकते हैं। अज्ञान अंधकार से निकल, इसलिए कहते हैं ना, अस्तो माँ सद्गम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, ये इसका उद्देश्य है। दोस्तों आपने सुना कि महाशिवरात्रि में जो भगवान शिव के ऊपर अर्पित किया जाता है, धतूरा बेल बेलपत्र, ये सारी चीजें हम लेने के लिए भागते हैं और घूमते रहते हैं इधर उधर, कभी इस बागीचे कभी उस बागीचे, कभी यहां से तोड़ते हैं कभी वहां से तोड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, जैसा कि दीदी ने कहा कि धतूरा, धतूरा मतलब कांटे वाला एक फल जो शिव जी को चढ़ता है, उसका मतलब ये है कि आप अपने अंदर के कांटे को, अपने अंदर की कुंठा को आप उसको चढ़ा दीजिए, समर्पित कर दीजिए, और आप उस कांटे से मुक्त हो जाइए। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एसीएन न्यूज से जुड़ने के लिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, यकीनन हमारे दर्शकों को भी पसंद आएगी। दोस्तों ये हमारे साथ प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय हाउसिंग बोर्ड भिलाई में संचालित जो सेवा केंद्र है, उनकी संचालिका हमारे साथ थी, बहुत ही अच्छी जानकारी इन्होंने दी है। ऐसी और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।